लोग हैं, ये वही लोग हैं। बोला किसने था? हाँ, आदि पूर्व दिखाओ, पूर्व दिखा के मोदी ने ये बोला। अमित शाह ने बोला था, जुमले थे, फिर क्यों बोला जुमले? उन्हें नकारा क्यों नहीं? मंत्री जितने मर्जी लगा दे दिल्ली में, आना केजरीवाल को। 150 का पौवा लेगा, 100 रुपए का मीट लेगा, 250 रुपए में बंदे की वो नहीं होगी। अगर 20 रुपए प्याज के बढ़ गए, प्याज के ऊपर गिरे पड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। देश के दिल या कहें कि देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान पर राहुल गांधी ने बड़े गुस्से में कहा, मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मानूंगा। मैं सावरकर नहीं, राहुल गांधी है। इसी पर जनता हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। मर जाएंगे, माफी नहीं मानेंगे। रेप इन इंडिया पर पूरे देश के सामने उन्होंने ये बात कही। क्या राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं या फिर वाकई अब यही राजनीति का दौर आ पड़ा है? राहुल गांधी का तो नाम खुद एक मजाक है, जो आलू से सोना निकालने की बचकानी बातें करते हैं, संसद में बैठ के आंख मारते हैं, उनकी उम्र इतनी नहीं है। अब वो जिस तरह की बातें करते हैं, दूसरी बात जो वो कह रहे हैं माफी मांगने की, माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आगामी चुनाव में जनता ने उनको वैसे दिल्ली से उखाड़ के फेंक ही दिया है। दूसरी बात, दो मिनट बोलने दो, दूसरी बात सुनिए। दुनिया में ब्लड हो रहे हैं, दिन पर दिन बलात्कार। एक केस उन पे खुद पे भी चल रहा है, संयोगिता वाला केस। आप पूछो जरा क्या हालत हो रही है इस मुल्क। नहीं लगता कि देश, उन्होंने रेप इन इंडिया बता दिया इस देश को, इस मिट्टी में जिसमें पैदा हुई। ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि हालात लल्लन टॉप में जाके आप देखिएगा, मोदी जी ने भी बोला है कि देश, मोदी ने भी बोला है, तो राहुल गांधी की माफी मांगे। हम ये मानेंगे, माफी मांगे। आज की डेट में जनता पूरी तरह जानती है, 130 करोड़ लोगों ने दोबारा मोदी जी को यहाँ बैठाया, और अभी जो ऑन द स्पॉट जो दोषियों के साथ अभी एनकाउंटर का जो काम हुआ है, ये इसी सरकार में हुआ है। और तो और फांसी की सजा का जो प्रावधान है, ये भी मोदी जी के सामने है। लेकिन सरकार तो मोदी सरकार ने नहीं किया, आपकी सरकार के टाइम पे तो यह कसाब। बोलिए कानून बनाइए, क्यों नहीं बनाते हो कानून? आप मोदी जी का नाम ले, मोदी जी ने बोलिए कानून बनाए, क्यों नहीं बनाते? 12 दिन से अनशन बैठी है, क्यों नहीं सुनवाई होती उनकी? आप मोदी मोदी करते हो, क्या करते हो? मोदी खाने आप पप्पू आपको खाने को दे रहे, राहुल गांधी आपको खाने को। बीजेपी वाले हैं, राहुल गांधी जितने प्रतिष्ठित लोग हैं उसको पप्पू बोल रहे। इनके अंदर वो तमीज लहजा नहीं है, दूसरे को गलत बोल सकते हैं, मोदी को हम फेकू भी बोल सकते हैं। राहुल गांधी पप्पू है तो नरेंद्र मोदी गप्पू है, गप्पू एक नंबर का गप करता है सिर्फ, फेकू है, गप्पू है नरेंद्र मोदी। अभी सवाल ये है, झूठा, जिस तरीके से कोई भी हो, वो बीजेपी हो, वो कांग्रेस हो, कोई कार्यकर्ता हो, लेकिन अगर वो उसको कंट्री को रेप इन इंडिया बता रहा है, तो इस पर क्या क्या बोलने का उनका मकसद ये है कि हमारे देश में इतनी ज्यादा तादाद में रेप हो रहा है, और रेप होने के बाद जो जिसके साथ रेप होता है वो अगर कोर्ट में जाते अदालत जाते हैं तो उनको जला दिया जाता है। उनके पार्टी के लोग, उनके MLA रेप करते हैं और लोगों को मरवा देते हैं। देखिए, एक कहावत है कि सावन के अंधे को हरा भरा दिखता है, इसका मतलब तो सब जानते हैं ना। राहुल गांधी जी के ऊपर सुकन्या देवी नाम की औरत का रेप और मर्डर सब है, तो उनको रेपिस्ट इंडिया ही दिखेगा ना, जिसके ऊपर खुद रेप का चार्ज हो। सावन के अंधे को क्या होता है? एक चीज और, चाणक्य जी ने कहा था विदेशी मूल की महिला से जन्मावा बच्चा कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता। प्रूफ नहीं होगा आपके बोलने से, प्रूफ नहीं होगा, अदालत प्रूफ। 99 में नहीं होगा, आपके बोलने से नहीं होगा। नहीं, पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, पर्सनल नहीं हो रहा। 99 में USA में कौन से केस में राहुल गांधी फंसे थे? जब सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को कॉल करके बोला था कि मेरे बेटे को छुड़ाओ। आज हमें कुछ नहीं है, सुनिए, आपको पता नहीं 90% रेप का केस देश में फोल्स होता है, और सारे एक एक कर। हाँ बताइए। मैं सीधी तौर में ये बात सबको कहना चाहता हूँ, यहाँ पे लोग देश को विकास की राह पे ले जाना चाहते हैं, न्याय चाहता है, लोग न्याय चाहता है, एम्प्लॉयमेंट चाहता है, अच्छी फैसिलिटी चाहते हैं, हेल्थ फैसिलिटी चाहती है, GDP का दर जब देश में सरकार गिरी थी उसके बाद 7.5 रोजगार चाहते हैं, अच्छी GDP चाहते हैं, देश का विकास हो, सब कुछ हो। लेकिन सवाल मेरा ये है, कोई भी नेता अगर देश को रेप इन इंडिया बताएगा या कहेगा कि ये गलत है, मोदी जी ने बताया, वो कोई भी हो गलत है। सुनिए, उनके
मैं ये बोल रहा हूँ मोदी जी का पहले का भाषण उठा लीजिए, लल्लन टॉप में आप देख सकते हैं, उसका लिंक अगर नहीं हो तो मुझसे ले लीजिएगा। उसमें प्रूफ किया गया है कि मोदी जी ने भी बोला था कि देश हमारा देश रेप का रेप से ग्रस्त हो गया, रेपिस्ट कंट्री हो गया, उनके बोलने का तरीका अलग था। आप गलत में, ये सरासर झूठ है, ये लोग सिर्फ झूठ की राजनीति कर रहे हैं, दोबारा कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को, कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने की, मगर इन मुट्ठी भर लोगों से 130 करोड़ के लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। जो देश, जो आज विकास हो रहा है, जिस गति से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये वही लोग हैं जो मोदी के भाषण में, मोदी ने कहा कि 15 लाख हर के खाते में आ जाएंगे, वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। आदि पूर्व दिखाओ, पूर्व दिखा के मोदी ने ये बोला, अमित शाह ने बोला जुमले थे, जुमले थे, फिर क्यों बोला जुमले, उन्हें नकारा क्यों नहीं, उन्होंने नकारा क्यों नहीं। ये लोग जीडीपी जीडीपी न्यूज जो बोल रहे हैं, यहाँ का जीडीपी 4.5 है। महाराष्ट्र सरकार में हरियाणा सरकार में चुनाव थे, तब इनके मिस्टर पप्पू जी क्या करने गए थे, यहाँ पे कंजक पूजा हो रही थी, वो बैंकॉक क्या करने गए थे, कोई पूछे? ये जो मर्जी करें, बैंकॉक जाएं, अय्याशी करें, घूमे फिरे दिल्ली में, कौन यहाँ कनॉट प्लेस में शीला दीक्षित के टाइम पे आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, सिविलियंस मरते थे, बच्चे मरते थे, कसाब आके इतना बड़ा हमला कर जाता था, सिविलियंस मोदी, तब ये लोग चुप थे, तब ये लोग चुप थे। लेकिन आज बोले थे 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में है, 4 तालिबानी नोटबंदी और जीएसटी से 4 करोड़ नौकरी खत्म हो चुका है इस देश में, आज महंगाई सबसे ज्यादा स्तर पे 4 महीने 5 महीने। इनका आरोप है कि मोदी ने नौकरी खत्म कर दी, इनके भाई साहब का मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी ये कह रहा है कि हैदराबाद में पुलिस ने इनकाउंटर किया, और उन्नाव के उन्नाव मर्डर से हैदराबाद में 10 दिन पहले हुआ था, वहाँ चुप रहो यार, हैदराबाद का 10 दिन पहले कांड हुआ था, उन्नाव में बाद में हुआ। मोदी आपकी मंदी है, आपकी वो मैम साहब उन्नाव गई ना कि हैदराबाद गई, क्यों नहीं गई वहाँ पे? राजनीति और इनका आरोप है कि उन्नाव तो कली चली गई कि यूपी में राजनीति करनी, हैदराबाद नहीं। ये तो कहीं नहीं जाते हैं, ये तो नहीं जाते, इसके नेता जो पाते हैं ये तो बर्खास्त भी नहीं करते हैं, इनके बर्खास्त भी। चिन्मयानंद जो बाबा है उनके, उनको तो कुछ असलियत ये है कि कर्नाटक के उपचुनाव में अभी भी जीता है मोदी ही ना, तुम लोग कितना भी चिल्ला लो घंटा कुछ नहीं, नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं होगा, मोदी है तो मुमकिन है, है घंटा है तो मंदी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब आरोप है तो ये जितवा लेना, इनको बोलो कि जितवा लेंगे, मोदी है तो इनको बोलो कि राहुल गांधी बना लेंगे, राहुल गांधी बना दोगे पीएम। तुम्हारे पास क्या, राहुल गांधी को पीएम बना दोगे? इनका सवाल है कि सरकार पीएम बनाने की नहीं तो पीएम बना दो, सरकारों को, ऐसे सरकारों को हम सबको मिलकर सत्ता से उतारने की जरूरत है, क्योंकि इनके अंदर घमंड आ गया है जो थी। हाँ बताइए, राजा भी नहीं कहता मैं हमेशा राजा रहूंगा, कभी ना कभी तो ये भी जाएंगे, एक बार तो बने, एक बार तो जब जाएंगे तो उनके भी पोल खुलेगी, ये क्या करते हैं, इनकी भी बात चल जाएगी। देख लो अभी 10 साल और रहेंगे, 10 साल तो कहीं नहीं जाने वाला भाई, 10। अरे सुनो ऐसा है, देखो इनके नेता ने इतने बड़े 50 साल के आदमी ने माफी मांग ली, उसके बाद ये लोग खड़े हो गए। मंत्री जितने मर्जी लगा दे दिल्ली में, आना केजरीवाल को, कांग्रेस क्यों नहीं, कांग्रेस रैली तो उन्होंने भी की, सिस्टम बहुत बेस्ट था दिल्ली में केजरीवाल। ये वही लोग हैं, जब अभी विधानसभा चुनाव हो रहा था तब से ये सारा का सारा आप वाले जीतवा रहे हैं। क्या हुआ, सांसद वाला जो चुनाव हुआ था ना अभी रिसेंटली, उसमें कौन बोल रहा था आप जीतेगा? 7 सीट जीत गई यार, तो अभी आने दो, फैसला आने दो, तुम थोड़ी डिसाइड कर लो अकेले, तुम भी हो जनता, मैं भी हूँ, हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, आप डिसाइड करो, हम नहीं डिसाइड करेंगे ना, हम वोट, हमारा वोट है, डिसाइड नहीं करते, मोदी डिसाइड करेंगे। हम करिश्मा होगा दिल्ली में सर, होगा जरूर होगा, केजरीवाल जी के द्वारा ही होगा, कांग्रेस नहीं, बीजेपी जिंदाबाद, जीतेगा भाई, केजरीवाल जीतेगा। 100 बातों की एक बात, आप किसी बहन बेटी के हो, आप उसकी रक्षा करने के बजाय सुकन्या के खिलाफ आपके ऊपर केस चल रहा है, दुनिया भर के आपके सरकार के टाइम पे दुनिया भर के यहाँ रेप होते थे, लड़कियां मार दी जाती थी, संसद में आंख मारने वाला कौन था भाई? राहुल गांधी जी थे ना। केजरीवाल ने सीसीटीवी कैमरे तो बसों में भी लगवा दिए। वो हमेशा ऐसा है, अपना भी पक्ष लेती है मीडिया भी आजकल, है कि कांग्रेस में बट गई है, बीजेपी में बट गई और आप में बट गई है। ऐसा नहीं है कि कैमरा वाले भी निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है बीजेपी में मेरे भाई। अरे ठीक है, जो जो हुआ होता है ना उसका सब साथ देते हैं, तो दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है यार, तुम कमाल कर रहे हो यार,
इसमें कौन सी बड़ी बात है? और सुन ले, जान चली जाए, माफी नहीं, माफी मांगनी पड़ेगी, हर हालत में मांगनी पड़ेगी, ये गारंटी है इस बात की, वरना जनता आक्रोश करेगी। जनता वो लेडीज है जिनको रेपिस्ट बोला है, इसी हिंदुस्तान में रहने वाली लड़की बोलिए, मैं बोलिए उसके वाली, मैं भारत, मैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से एक चीज मांग करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी उन्नाव और हैदराबाद क्यों नहीं गए, उसके लिए पूरे देश से माफी मांगो, नरेंद्र मोदी माफी मांगो। मैं बता रहा हूं, मांगे सबसे बड़ा एक्शन मोदी सरकार के टाइम पे लिया गया है, बलात्कार के खिलाफ फांसी का एजेंडा जो खड़ा किया वो मोदी सरकार ने खड़ा करा है। इन लोगों ने क्या करा था, पहले बलात्कार होता लड़कियां गायब हो जाती थी, उनके पूरे के पूरे परिवार को नस्तोनाबूद करा दिया जाता था, गायब करा दिया जाता था, ना कोई लड़ने वाला रहता था, को सबूत रहते थे, मगर आज मोदी सरकार के टाइम पे ऑन द स्पॉट कार्रवाई हो रही है, हर किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन एक्शन एक्शन मोड में गया, एक्शन मोड चल रहा है। देखिए बाबा, जितने बाबा लोगों पे केस चल रहा है तो उन्हें फास्ट ट्रैक पे क्यों नहीं सजा दिया जा रहा है, उनपे बेल दिया जा रहा है। आसाराम अभी भी जेल में बैठा है जिंदा, उसी को फांसी दी जा रही है। हाँ अंकल जी, हाँ जी सर बताइए। हम तो ये चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा इस बार, बनेंगे बनेंगे, पक्का बनेंगे, जनता की। राहुल गांधी मतलब जिस तरीके से कल प्रोजेक्ट किया गया है दिल्ली में, जबरदस्त रैली कही गई, वो बहुत शांत तरीके से काम करने वाले हैं, और इससे पहले कांग्रेस समझ सकते, कभी भी राहुल गांधी नहीं बन पाएंगे, जो बीजेपी कर रही है ये करते रहे, हम लोग उनके साथ हैं, ये हम देश अगर चला सकती है तो कांग्रेस सरकार चला सकती है, अभी देश का सत्यानाश हुआ पड़ा है, देख लो आप खुद देख रहे हो। वाजपेयी की सरकार नहीं है कि एक प्याज पे गिरा देंगे कोई सरकार, ठीक है ना, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, अभी चार साल और झेलना पड़ेगा आपको, चाहे हंस के जलो या रो के। एक आदमी आम आदमी 100 रुपए का पौवा पी सकता है, उसमें नहीं हिचकिचाएगा, प्याज के 10 रुपए 20 रुपए बढ़ गए, 150 का पौवा लेगा, 100 रुपए का मीट लेगा, 250 रुपए में बंदे की वो नहीं होगी, अगर 20 रुपए प्याज के बढ़ गए, प्याज के ऊपर गिरे पड़े हैं। अभी यहाँ इतनी आपको इतनी लेडीजें दिखाऊंगा 15-15, 20-20 रुपए की सिगरेटें पी रही है, वो 2 रुपए के चक्कर में लड़ रही है, दूध के चक्कर में 2 रुपए की बढ़ गए मदर डेयरी में, सर से 2-2 रुपए के लिए बोल रहा है क्या, बात 2 रुपए की नहीं है, महंगाई नहीं है सिर्फ एजेंडा, महंगाई सेंटर गवर्नमेंट बदलेगी, महंगाई बदल जाएगी, मतलब महंगाई नहीं है एजेंडा है क्या, ये सिर्फ पॉलिटिक्स एजेंडा है, राजनीति का एजेंडा है, चुनावी एजेंडा है क्या, कोई एजेंडा नहीं है, चुनावी ढंडा है, और देखिए कोई भी सरकार है ये जो हम लोग खा रहे हैं ये सिर्फ जनता को बहकाया जा रहा है, और जनता जितनी जागरूक हो चुकी है आपके YouTube चैनल के माध्यम से, हर तरह से जनता आज रोड पे खड़े होकर अपनी स्पीच दे सकती है, आज मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, आगे वाले टाइम में अब जो सरकार मौजूद है, सरकार ने जो मतलब बिगुल, एक मतलब बिगुल बजाया है, हिंदुओं को जगाया है, 130 करोड़ लोग, तो आप ये देख सकते हैं दोबारा मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीते हैं, और आगे भी वही 24 बताएगा, वो तो 24 वो सुनिए, मैं वो चौकी जीत की बात, अभी 4 साल है, अभी बहुत 4 साल है, अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो अभी भाई ने बोला कि लोगों के पास पैसा है ले सकते हैं, एक्स्ट्रा चीजें ले सकते हैं, लेकिन उस टाइम प्याज के लिए, स्मृति ईरानी गैस के लिए उस टाइम क्यों निकल रहे थे, उस टाइम क्यों बीजेपी वाला निकल रहे थे, आज हम विरोध कर रहे हैं, आम जनता विरोध कर रही है, तो आपकी क्यों जल रही है, आपको क्यों जल रही है, अब स्मृति ईरानी सत्ता में आने के लिए उस समय आज तक इस गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो आम आदमी का फायदा हो, आम आदमी परेशान है, रोज परेशान है, हर जो भी स्कीम निकाल रहे हैं सब परेशान है, कोई भी आम आदमी को फायदा नहीं पहुंचा सिवाय बहला जुमलेबाजी के और बहकावे के, कुछ नहीं करा। मेरे पिताजी BSNL में हैं, उनकी 4 महीने में सैलरी आई है इस महीने, 4 महीने बाद, अब ये लगा लो 4 महीने तक एक आम आदमी ने अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा, हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे, हमारी भी है, बहन का भी खर्चा है, घर का भी है, 4 महीने कोई सरकार से कोई वो नहीं है, अब नौकरी निकालने तक की नौबत आ गई, बताओ ये सरकार है। चलिए तो कहीं ना कहीं रोष है, गुस्सा है, तो कहीं सपोर्ट भी है, प्यार भी है, लेकिन ये प्यार सिर्फ चुनाव के वक्त दिखाई देता है क्या, लगातार बातचीत करते रहेंगे, मुद्दे उठाते रहेंगे, हमने सहयोगी सार्थक के साथ नवीन चौहान, दिल्ली हेडलाइंस इंडिया।